तो दोस्तों क्या हालचाल, चलिए शुरू करते हैं धमाल। तो आप जानते ही होंगे कि जो बिजली होती है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, और जो माचिस होती है वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक होती है। तो आज की वीडियो में हम लोग इन दोनों को मिलाएंगे और कुछ बनाएंगे, यानी कि हम लोग एक इलेक्ट्रिक माचिस बनाएंगे और उसको टेस्ट करके देखेंगे काफ़ी चीज़ों पर कि वो काम करती है या फिर नहीं। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बनाएंगे इलेक्ट्रिक माचिस। फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास होनी चाहिए एक माचिस की डिब्बी, एक इलेक्ट्रिक टेप और एक चार्जिंग केबल जो अब किसी काम की ना हो, ख़राब हो चुकी हो। एक कैंची चाहिए होगी और 2 9 वॉट्स की बैटरी। अगर आपको ये बैटरी ना मिले तब आप ले सकते हो एक 12 वॉट से 20 वॉट के बीच का चार्जर। मैं सबसे पहले चार्जिंग केबल को कट कर लूँगा छोटे छोटे पीसेस में, लगभग 2 इंचेस के पीसेस में हमको काट लेना होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इसके अंदर के जो वायर्स हैं उनको निकाल लेंगे। तो हमें इन वायर्स की ही ज़रूरत है, और ये वायर जितने ज़्यादा पतले होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। अब हम लोग इनके ऊपर की जो प्लास्टिक है इसको निकाल लेते हैं आराम से, वायर नहीं कटना चाहिए। अब मैं एक और वायर को छील लेता हूँ। अब आपको इनको थोड़ा सा ऐसे करके घुमा लेना है ताकि ये एक साथ हो जाएं। और अब दूसरा वायर लेना है, उसमें थोड़ा सा आपको दूसरी तरीके से करना होगा, एक साइड को आपको घुमा लेना है अच्छे से। अब हम लोग इसकी दूसरी साइड पे हम लोग सिर्फ एक वायर को अलग कर लेंगे, सिर्फ एक वायर, बाकी को ऐसे मोड़ के कट कर देंगे। अब मैं अपने दोनों वायर्स को आपस में जोड़ दूंगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमें अपना टेप लेना है और माचिस की तिल्ली के आधे साइज़ का उसे काट लेना है। काटने के बाद हम लोग कुछ इस तरीके से अपनी माचिस की तिल्ली को अपने टेप पर चिपका देंगे। अब तिल्ली के ऊपर कैंची की मदद से थोड़ा सा कट लगा देंगे और जो हमारा ये पतला वाला वायर था उसी कट में अच्छे से फिट कर देंगे ताकि वो हिले ना। उसके बाद दोनों वायर्स को भी कुछ इस तरीके से टेप पर चिपका देंगे। तो एंड में हमें कुछ इस तरीके का रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, मैंने और भी कई सारी इलेक्ट्रिक माचिस की तीलियाँ बना ली हैं और चलिए इनको भी ट्राई करके देखते हैं।